हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो यह है कि कुछ गिने चुने लोग इंग्लिश के खिलाफ, यानी इंग्लिश को अपना दैनिक जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं। वो किस लिए और इंग्लिश का महत्व शायद उनको पता नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व और हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव किस तरह से है। ठीक है, तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो स्किल जैसा बन चुकी है, ठीक है, इसके बिना अब हमको अधूरा सा ज्ञान जो भी है वो अधूरा सा जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यदि आप शुरुआती दिनों से ही बच्चों को इंग्लिश में अपना हुनर प्राप्त कराना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए सबसे बेटर रहेगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आप देख सकते हो, IAS IPS का है, IBPS जो बैंकिंग सेक्टर का है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, और मर्चेंट नेवी में जो हाई सैलरी दिया जाता है मर्चेंट नेवी में, और इंडियन आर्मी SSB ऑफिसर्स लेवल का। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर BPO कंपनियों में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर कोर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी छोटे लेवल के जॉब हैं उसमें हम अपने रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो है डिफेंस जॉब, जैसे रेलवे का हो गया ग्रुप D, कांस्टेबल जॉब, और जितने भी लोकल क्षेत्र में जो नौकरियां होती है वो सभी रीजनल लैंग्वेज में उनका क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो आई होप जो इंग्लिश का जो महत्व है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।